हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। ये एक साहब का सवाल है कि औरतों को नमाज में कोहनी का हिस्सा जमीन से मस करना कैसा है। औरतों के लिए मुस्तहब यह है कि वो खूब सिमट कर सजदा करें, यानी बाजू को करवटों से मिला दें, पेट को रान से मिला दें, रान को पिंडलियों से मिला दें, पिंडलियों को जमीन से मिला दें। और जाहिर सी बात है इस तरह जब औरत सजदा करेगी तो औरत कोहनियों को बिछाएगी। तो जिसने ये सवाल के अंदर ये भी कहा गया था कि कुछ लोग कहते हैं कि कोहनी लगाने से नमाज नहीं होगी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगाने से नमाज नहीं होगी, तो जो हुक्म मैंने बयान किया इससे वाज़े हो गया कि औरत सजदे में अपनी कोहनियों को बिछाएगी। तो जिसने ये कहा कि कोहनी जमीन पर लगाने से नमाज नहीं होगी उसने गलत कहा, और उसने भी सही बात नहीं कही जिसने ये कहा कि कोहनी ना लगाने से नमाज ना होगी, जबकि सही मसला यह है कि कोहनी ना लगाने से नमाज तो हो जाएगी मगर औरत को चाहिए कि वो सिमट करके सजदा करे। सजदे का मुस्तहब तरीका यही है।